नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर कोर्स की श्रृंखला में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप विंडोज 10 डेस्कटॉप स्क्रीन पर किस तरह से शॉर्टकट्स या आइकन्स को क्रिएट करेंगे, उन्हें किस तरह से मैनेज करेंगे, सिस्टम आइकन्स, एप्लीकेशन आइकन्स को किस तरह से हमें क्रिएट करना है, यदि किसी वेबसाइट का शॉर्टकट बनाने की हमें आवश्यकता पड़ती है तो वो किस तरह से बनेगा, सारे आइकन्स को किस तरह से हमें स्क्रीन पर क्रमबद्ध जमाना है, सॉर्ट करना है, रीनेम किस तरह से करना है, डेस्कटॉप आइकन्स को शो या हाइड किस तरह से किया जाता है, किसी फाइल और फोल्डर का शॉर्टकट किस तरह से बनाया जाता है, ये सारी उपयोगी जानकारी आज की क्लास में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिए गए शॉर्टकट्स या आइकन्स के माध्यम से हम किसी भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन को बेहद ही आसान तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, आइकन्स दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम आइकन्स और एप्लीकेशन आइकन्स। सिस्टम आइकन्स, जैसा कि इनका नाम है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम के क्रिएट किए गए आइकन्स होते हैं, और एप्लीकेशन आइकन्स, जिनके ऊपर एरो का साइन होता है, तीर का निशान होता है, ये सारे आइकन्स यूज़र अपनी आवश्यकता अनुसार क्रिएट करता है। हम शुरुआत करते हैं सिस्टम आइकन्स के साथ। कई बार हमारे स्क्रीन पर सिस्टम आइकन्स दिखाई नहीं देते हैं या फिर गलती से हम उन्हें डिलीट कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में यदि आपको अपनी स्क्रीन पर सिस्टम आइकन्स चाहिए तो उसके लिए इस डेस्कटॉप स्क्रीन पर खाली जगह पर आपको राइट बटन क्लिक करना है। लास्ट में आपको पर्सनलाइज दिखाई देगा, इस ऑप्शन में जाना है और पर्सनलाइज के अंदर आप थीम्स में जाइएगा। थीम्स में आपको ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स। जैसे आप इस ऑप्शन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर डेस्कटॉप आइकन से संबंधित सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से डेस्कटॉप आइकन्स आप स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं उन्हें आप टिक कर सकते हैं, चेकबॉक्स दिया गया है यहाँ पर, और लास्ट में आप अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे आइकन्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब इन आइकन्स के साथ यदि आप ये जो छोटे छोटे डायग्राम दिख रहे हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं, इन्हें भी चेंज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर जिस आइकन का इमेज बदलना चाहें उसे सेलेक्ट कीजिए, नीचे आपको मिलेगा चेंज आइकन बटन, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से जिस पिक्चर को आप सेलेक्ट करना चाहें उसे सेलेक्ट करते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे आइकन्स आपको मिलेंगे, आपको जो ठीक लगे उसको सेलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद जब आप अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन को देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारे सिस्टम के क्रिएट किए गए आइकन्स, इट मीन्स सिस्टम आइकन्स डिस्प्ले हो जाएंगे। यदि आप इन्हें हटाना चाहें तो भी आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना है, राइट बटन, पर्सनलाइज, थीम्स, थीम्स में डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स। आप इनमें से जिन आइकन्स को हटाना चाहें उन्हें हटा सकते हैं और जिन्हें रखना चाहें उन्हें रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप सिस्टम आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है एप्लीकेशन आइकन्स की। हमारे जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं उनका शॉर्टकट यदि हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, ऑल एप्स, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए मुझे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का शॉर्टकट बनाना है तो जिस प्रोग्राम का हमें शॉर्टकट बनाना है ऑल एप्स में से उस प्रोग्राम को हमें ओपन करना होगा। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मुझे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मिलेगा तो आपको एक्सेल का बनाना है तो जस्ट आपको एक्सेल प्रोग्राम को ड्रैग करते हुए अपनी स्क्रीन पर ड्रॉप करना है। माउस का लेफ्ट बटन आपको प्रेस करते हुए रखना है और डेस्कटॉप पर ले जाकर इसको ड्रॉप कर दीजिए। देखिए, एक्सेल का शॉर्टकट बन गया है। जिस भी प्रोग्राम का आप शॉर्टकट बनाना चाहें उसे स्टार्ट मेनू से ऑल एप्स के माध्यम से सर्च कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कैलकुलेटर का आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो जस्ट कैलकुलेटर को ड्रैग करते हुए डेस्कटॉप स्क्रीन पर लाकर ड्रॉप करना है तो कैलकुलेटर प्रोग्राम का शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर क्रिएट हो जाएगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का शॉर्टकट क्रिएट करने का ये सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा भी एक और मेथड होता है जिसके थ्रू आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे टैली का शॉर्टकट क्रिएट करना है तो उसके लिए टैली टी पर मिलेगा मुझे टैली ERP 9। अब इस टैली ERP 9 में एक मेथड अभी हमने सीखा, ड्रैग एंड ड्रॉप। दूसरे मेथड में आपको राइट बटन क्लिक करना है प्रोग्राम पर और ओपन फाइल लोकेशन, इस ऑप्शन का यूज़ करना है तो इस फाइल की पर्टिकुलर लोकेशन ओपन हो जाएगी। देन इस फाइल पर आपको फिर से राइट बटन क्लिक करना है और सेंड टू ऑप्शन में आपको दिखाई देगा डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, इट मीन्स आप डेस्कटॉप पर इस प्रोग्राम का शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम इन दो मेथड के द्वारा किसी भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन का शॉर्टकट
अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आप किसी भी फाइल या फोल्डर का शॉर्टकट भी अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर बना सकते हैं। विंडोज 10 में फाइल या फोल्डर के शॉर्टकट को क्रिएट करने के लिए आपको टास्क बार में फाइल एक्सप्लोरर दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा और जिस फोल्डर का आपको शॉर्टकट बनाना है उस फोल्डर पर राइट बटन आपको क्लिक करना है। जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स इस फोल्डर का शॉर्टकट अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर बनाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे इस फोल्डर पर माउस का राइट बटन क्लिक करना है और फिर से सेंड टू ऑप्शन में जाते हुए डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट इस पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने पर आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पर फोल्डर का शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से यदि आप किसी फाइल का शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो पर्टिकुलर उस फाइल पर आपको फिर से राइट बटन क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर सिलेबस नाम से हमारी वर्ड की एक फाइल है जिसका शॉर्टकट मुझे स्क्रीन पर बनाना है, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। राइट बटन, सेंड टू डेस्कटॉप, क्रिएट शॉर्टकट। अब आप देखेंगे कि आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पर इस फाइल का भी शॉर्टकट क्रिएट हो गया है। ठीक इसी तरह से यदि आप किसी वेबसाइट का शॉर्टकट अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कई वेबसाइट ऐसी होती हैं जिन्हें हम रोज़ यूज़ करते हैं, तो उनके URL का शॉर्टकट हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए विंडोज 10 में आप डेस्कटॉप स्क्रीन पर राइट बटन क्लिक कीजिएगा और इस कॉन्टेक्स्ट मेनू में आपको न्यू दिखाई देगा। इस न्यू ऑप्शन में आपको शॉर्टकट मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा और उस वेबसाइट का एड्रेस इट मीन्स URL आपको यहाँ टाइप करना है। जैसे हमारी वेबसाइट है तो मैं उसका एड्रेस यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ https://cpitudaipur.com और नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद टाइप अ नेम फॉर दिस शॉर्टकट, इस शॉर्टकट का आपको क्या नाम देना है वो आप यहाँ टाइप करते हुए इसे फिनिश कर दीजिए। आप देखेंगे वेबसाइट का शॉर्टकट हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर क्रिएट हो चुका है। दोस्तों, आप किसी भी शॉर्टकट का नाम बदल सकते हैं, उसके लिए उस पर्टिकुलर शॉर्टकट पर राइट बटन आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको मिलेगा रीनेम। रीनेम पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी नेम उस आइकॉन के लिए सेट करना है, शॉर्टकट के लिए सेट करना है, वो आप कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की F2 का भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप F2 प्रेस कीजिएगा, डायरेक्टली उस शॉर्टकट के नेम को रीनेम कर पाएंगे। इस तरह से यदि आप इन आइकन्स की साइज़ को, शॉर्टकट की साइज़ को बड़ा करना चाहते हैं या और छोटा करना चाहते हैं, तो उसके लिए डेस्कटॉप स्क्रीन पर माउस से फिर से राइट बटन क्लिक करना है और यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा व्यू। इस व्यू में आपको तीन ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे, लार्ज आइकन, मीडियम आइकन और स्मॉल आइकन्स। आप अपनी आवश्यकता अनुसार लार्ज पर क्लिक करेंगे तो आइकन की साइज आपको लार्ज दिखाई देगी, शॉर्टकट्स आपको लार्ज साइज में दिखाई देंगे और स्मॉल कर देंगे तो बिल्कुल छोटे हो जाएंगे। तो जनरली हमें मीडियम में रखना चाहिए। इसी तरह से यदि आप इन आइकन्स को नेम के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, आइटम टाइप के अकॉर्डिंग या डेट के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं, क्रमबद्ध जमा सकते हैं। आप नेम पर क्लिक करेंगे तो नेम वाइज सॉर्टिंग हो जाएगी, साइज पर क्लिक करेंगे तो साइज वाइज सॉर्टिंग हो जाएगी। जैसा आपको ठीक लगे उस तरह का आप ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आइकन्स को अरेंज करने के भी अलग अलग ऑप्शन हमको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप व्यू में ही नीचे आपको मिलेगा ऑटो अरेंज आइकन्स, यहाँ बाय डिफॉल्ट टिक रहता है। इट मीन्स अभी आप इन्हें ड्रैग करते हुए डेस्कटॉप स्क्रीन पर किसी और जगह पर सेट नहीं कर सकते। यदि आप इन आइकन्स को अलग अलग जगह पर सेट करना चाहते हैं, ऑटो अरेंज आइकन्स ऑप्शन को आपको हटाना होगा। अब आप जहाँ चाहते हैं वहाँ पर ये आइकन्स सेट हो जाएंगे और उसके बाद फिर से इन्हें अरेंज करना चाहें तो आपको व्यू में ही ऑटो अरेंज आइकन्स पर क्लिक कर देना है। उसे ये सारे आइकन्स अपनी अपनी जगह पर जाकर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। इसके नीचे आपको मिलेगा अलाइन आइकन्स टू ग्रिड, इस ऑप्शन पर अगर आप टिक करेंगे तो उससे पहले आपको ऑटो अरेंज आइकन्स इस ऑप्शन को बंद कर देना है और उसके नीचे वाले ऑप्शन अलाइन आइकन्स टू ग्रिड इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इसे क्लिक करने के बाद जब आप आइकन्स को सेट करेंगे तो आप देखिएगा जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करने जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आइकन्स ऑटोमेटिकली एक इमेजनरी टेबल बन जाती है, उस टेबल के अकॉर्डिंग ही ये सेट होते हैं। जैसे मैं इस आइकन को इन दोनों आइकन्स के बीच में सेट करना चाहता हूँ तो दोस्तों ये सेट नहीं होगा ऑटोमेटिकली, या तो ये इसके नीचे आएगा या फिर ये इसके नीचे आएगा, हम बीच में सेट नहीं कर पाएंगे। यदि हम उस ऑप्शन को क्लोज कर दें, अलाइन आइकन्स टू ग्रिड इस ऑप्शन को अगर आप बंद कर देंगे फिर आइकन्स को सेट करने जाएंगे तो जहां आप सेट करना चाहते हैं वहां आइकन सेट हो जाएगा। हम इन दोनों के बीच में भी सेट कर पा रहे हैं, जहां आप सेट करना चाहें वहां पर ये आइकन सेट हो जाएगा। फिर से हम इन्हें ऑटो अरेंज कर देते हैं, व्यू ऑटो अरेंज, ऑटोमेटिकली सब सेट हो गए।
दोस्तों यहाँ पर लास्ट में आपको एक ऑप्शन और मिलता है, शो डेस्कटॉप आइकन्स। अभी हमें सारे आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, कई बार ये ऑप्शन गलती से क्लिक हो जाता है तो सारे के सारे डेस्कटॉप आइकन्स हाइड हो जाते हैं, छुप जाते हैं। तो यदि आपके साथ भी ऐसा कभी हो जाए तो वो ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा, शो डेस्कटॉप आइकन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली फिर से सारे डेस्कटॉप आइकन्स आपको दिखाई देने लगेंगे और उनका आप यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने सीखा कि किस तरह से हम विंडोज 10 डेस्कटॉप स्क्रीन पर शॉर्टकट्स और आइकन्स को मैनेज करेंगे। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।